जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने उन्हें बहुत ही हेल्दी लंच बना के खिलाया, क्योंकि रोज का वही रूटीन वाला खाना खा खा के बोर हो जाते हैं बच्चे, तो मैंने कुछ अलग बनाया। तो देखिए मैंने क्या बनाया है। इसके लिए हमें चाहिए राइस फ्लावर, यानी चावल का आटा और गेहूं का आटा। बेसन मैंने लिया है 1 कटोरी और 1 कटोरी सूजी लिया है, सारे 1-1 कटोरी आप ले लीजिए। और वेजिटेबल्स में मैंने टमाटो लिया है, कैप्सिकम है और अनियन और कैबेज, हरी मिर्च मैंने लिया है, और ये मैंने कैरेट लिया है, गाजर, सारी चीज़ों को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और इन सारे चीज़ों को मैं एक बाउल में डाल के और सबको मिक्स करूँगी। तो मैंने इस तरह का एक हाई न्यूट्रिशन लंच बना के तैयार किया, और सारे चीज़ इसमें हेल्दी हैं, कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है। तो इस तरह का अगर आप लंच बना के खिलाएंगे बच्चों को या बड़े, सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह सारे आप वेजिटेबल्स भी खिला लेंगे और उनको पसंद भी आएगा। तो इस तरह का कोई अलग सा लंच बनाइए। देखिए मैंने पहले फाइनली चॉप किया और टमाटर डाल दिया, और ये शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और ये ग्रेट कर लिया था मैंने गाजर को, और हरी मिर्च 2 से 3 हरी मिर्च है, जिस तरह आपको तीखा बच्चों को पसंद हो उस हिसाब से डालिएगा। ये मैंने पत्ता गोभी बारीक काटा था, और ये मैंने प्याज को भी बारीक काट लिया था। इन सारे चीज़ों को मैंने एक बाउल में डाल दिया, और इसमें सारे फ्लावर में डालूंगी। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कटोरी, और इसमें 1 कटोरी ये बेसन है इसे भी डाल दिया, और 1 कटोरी मैंने सूजी भी लिया है। सारे हेल्दी आइटम है इसमें। तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और टेस्ट भी देगा, और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। और ये मैंने 1 कटोरी राइस फ्लोर डाला था, और थोड़ा सा क्यूमन सीड मैंने डाला है, जीरा, खड़ा जीरा, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल दीजिए, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और ये मैंने पनीर निकाला था, तो उसका मेरे पास पानी बचा हुआ था, तो मैं जब भी पनीर निकालती हूँ तो उसका मैं पानी रख देती हूँ। इस तरह से कोई भी हेल्दी आइटम मुझे बनाना रहता है तो मैं उसमें यूज कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल पानी में भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, घोल तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास दही हो तो वो भी थोड़ा सा डाल दीजिए, तो दही से ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है। और इनको थोड़ा थोड़ा मैं डाल के मिक्स करती जाऊंगी, एक साथ मैं नहीं डालूंगी, नहीं तो ये लम्स कुछ गांठे पड़ जाएंगे तो सही से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा, मैंने इसमें पानी भी डाला है, तो इस तरह से मैंने डाल के एक घोल तैयार कर लिया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली। जब आप पतले भी बना देंगे तब भी सही नहीं बनेगा, और बहुत गाढ़ी भी रहेगी तो भी नहीं सही बनेगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। और फिर मैंने तवा रख दिया, और उसको जब हीट हो गया तो बस 1 से 2 स्पून करीब मैंने इस पे तवे पे फैला दिया, और ये इतना सॉफ्ट और अच्छा बनता है। ऐसे तो बच्चे, किसी को शिमला मिर्च नहीं अच्छा लगता, तो किसी को पत्ता गोभी नहीं पसंद है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डाल देंगे ना तो बच्चे बड़े पसंद से खा लेंगे, और ये नहीं रहेगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। तो इसे जब ऐसे डाल के मैं 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, और फिर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूँगी, दोनों तरफ से हमें जब ऑयल लगा के फिर उसके बाद 2-2 मिनट के लिए ढक के ही हमें पकाना है। थोड़ा जो इसमें वेजिटेबल्स हम लोगों ने डाले हैं थोड़ा वो पक जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो बस बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगता है। और
मेरा बन गया। अब मैंने दूसरा भी इसी तरह से बनाया। तो एक तरह का अगर आप खाना रोज खिलाइए तो सब बड़े या चाहे बच्चे खा के बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से कुछ अलग अगर आप बना के खिलाएंगे तो एक हेल्दी लंच भी हो जाएगा और सबको पसंद भी बहुत आएगा। तो मैं तो कुछ ज़रूर कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग बना के खिलाऊं। इस तरह से मैंने सारे चिल्ले तैयार कर लिए। इसमें बहुत ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, बस आपका एक बढ़िया लंच तैयार हो जाएगा। देखिए देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये बनने के बाद। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो तरीका है लंच खिलाने का आपको कैसा लगा। आप इसे चाहे टमाटो सॉस के साथ खिलाइए, चाहे हरी चटनी बना लीजिए उससे सर्व कर दीजिए, दोनों ही बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना ही सॉफ्ट बना है एकदम। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।